अभी हम देखने वाले हैं कि जुपिटर जो कि जीव है, अगर जेमिनाई राशि में हो, 3 नंबर राशि में, तो उसका क्या रिजल्ट आता है। देखो, जुपिटर जो है ये जीव है, ये नेटिव है, जिसकी कुंडली हम देख रहे हैं। और सेल्फ मतलब अगर आप मेरी कुंडली देख रहे हैं तो मैं ही जुपिटर हूँ, अगर मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ तो आप जुपिटर हो। जुपिटर वो व्यक्ति है जिसकी कुंडली देखी जा रही है। जुपिटर जीव है, जुपिटर प्राण है, लाइफ एनर्जी है जो आपके अंदर फ्लो करती है। जुपिटर ऑक्सीजन का कारक है। जेमिनाई राशि में 3 नंबर राशि में जुपिटर है, तो जुपिटर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी आएगी। देखो, गुड हाइट, एक एवरेज से लेकर के गुड हाइट यहाँ पर हो सकती है। मर्क्यूरी ज्यादा हाइट को सिग्निफाई करता है, जेमिनाई 3 नंबर राशि मर्क्यूरी की राशि, यहाँ पे अच्छी खासी हाइट हो सकती है। हमने कहा गुड लुकिंग पर्सन इज गुड लुकिंग, जेमिनाई, वर्गो, टॉरस और लीब्रा, वीनस की और मर्क्यूरी की राशियों में अगर जुपिटर जीव होता है तो इंसान देखने में अच्छा होगा। डुअल पर्सनैलिटी, हमने कहा 3 नंबर राशि, 6 नंबर राशि, 9 नंबर राशि और 12 नंबर राशि, ये 4 राशियों को हम कहते हैं डुअल राशि, डुअल साइंस। इसमें अगर जुपिटर बैठा हुआ है तो डुअल पर्सनैलिटी, आदमी सोचता क्या है बोलता क्या है उसमें बहुत अंतर होता है। वो मन में कुछ और विचार कर सकता है, दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और शब्दों का उपयोग करता है। डुअल पर्सनैलिटी बदल जाता है चीजों को लेकर, ठीक है, दोहरा व्यक्तित्व, दोगला जिसे कहते हैं, ऐसा व्यक्ति हो सकता है। बुरा मानने की बात नहीं, ये आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। जेमिनाई में जुपिटर ज्यादा बुरा नहीं करता, पर एक ड्यूअल पर्सनैलिटी, एक पॉलिटिशियन जैसा, हमने कहा एक डिप्लोमेटिक स्पीच देता है। डिप्लोमेटिक स्पीच मतलब सब कुछ सही और गलत नहीं बोले, पॉलिटिशियन की तरह बोले, पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स दे, ऐसे गुड कम्युनिकेटर, गुड ओरेटर, बोलने में अच्छा है। अगर आप इससे बात करेंगे अपनी बातों में आपको फंसा सकता है। डिबेट में अच्छा होता है, बोलने में अच्छा होता है, जहां बोलना पड़ता है ये अच्छा कर सकते हैं। बोलने की इनको कला आती है, किस तरह से अपने शब्दों को एक्सप्लेन, गुड एक्सप्लेनर ऑल्सो, गुड एक्सप्लेनर ऑफ थिंग्स। अगर इनको कोई टॉपिक दे दिया जाए क्लास में समझाने के लिए, कुछ पढ़ाने के लिए, अच्छे से समझा पाते हैं अपनी बात को, अपनी जो विचार है इनको एक्सप्रेस करना आता है, समझा सकते हैं किसी को। टीचर अच्छे होते हैं, हो सकता है इन्होंने बचपन में ट्यूशन भी ली, बच्चों को पढ़ाया भी, ये संभावना है, ठीक है। हमने कहा राइटर, लिखने का कुछ शौक हो सकता है, एग्जाम में जब ये आंसर लिखते हैं अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं, राइटिंग का शौक होता है, लिखते हैं तो ऑर्गेनाइज तरीके से लिखते हैं, चीजों जैसे बिखरी हुई चीजें हो उसको ऑर्गेनाइज करके तरीके से करना इनको आता है। फिल्म मेकर, जो एक्टर होता है ना वो मर्क्यूरी होता है, एक्सप्रेशन चाहिए आपको एक्टिंग के लिए, कला चाहिए, स्किल चाहिए, वो स्किल मर्क्यूरी नहीं है, पर वो जो बोलेगा डायलॉग्स बोलेगा वो मर्क्यूरी है। यहाँ पे वीनस मर्क्यूरी दोनों चाहिए, परफेक्शन वीनस है, मर्क्यूरी वो एक्टर खुद है, ठीक है। यहाँ पे फिल्म मेकर हो सकता है, गुड ओरेटर हमने कहा, मार्क ऑन फेस इज पॉसिबल, मार्क ऑन फेस इज पॉसिबल, इसके पीछे कहानी है, मर्क्यूरी और जुपिटर की कहानी। ये जुपिटर की वाइफ थी तारा देवी, उनको मून ले गया था अपने साथ और उससे एक नाजायज संतान पैदा हुई जिसको हम मर्क्यूरी कहते हैं। तो जुपिटर मून का कंजंक्शन हो या जुपिटर जेमिनी मर्क्यूरी की राशियों में, मार्क ऑन फेस, चेहरे पे एक दाग हो सकता है, ठीक है, इस कहानी की वजह से ऐसा कहा जाता है। इंटरेस्ट इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में, यूट्यूब चैनल खोलने में, इंस्टाग्राम पेज खोलने में अच्छा भी करते हैं। मार्केटिंग स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स इसमें अच्छी होती है, फोटोग्राफी में, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, हमने मोटे मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, चीजों को एक्सप्लेन करना इनको अच्छे से आता है। इंटेलिजेंट, हाईली इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट है, और हमने ये कहा इनको लोग प्यार भी करते हैं, अफेक्शनेट है, ठीक है, अफेक्शनेट पीपल मतलब इनको लोग प्यार करते हैं, लोगों से घुल मिल जाते हैं, मिक्सेस अप वेल, मिक्सेस अप वेल मतलब अगर ये लोगों के बीच में खड़े हुए तो उन्हें जल्दी दोस्त बना ले, इनके तो दोस्त बन जाते हैं, वो इनकी कम्युनिकेशन से प्रभावित भी रहते हैं, तो जल्दी जल्दी दोस्त बनाना इनको आता है। अब मेन जो हमारी टेक्निक्स है उनकी बात करते हैं। अब यहाँ पर हमने कहा जुपिटर अगर जेमिनाई में 3 नंबर राशि, ठीक है, और यहाँ 4 नंबर राशि लिखी होगी, जुपिटर 3 नंबर राशि से 4 नंबर राशि में जाता है, हमने कहा 4 नंबर राशि कैंसर, जुपिटर की एग्जॉल्टेशन की राशि, जुपिटर की एग्जॉल्टेशन की राशि, और अभी ये 3 नंबर राशि में करंटली है, तो ये अपने एग्जॉल्टेशन की तरफ जा रहा है, उच्च अभिलाषी कहते हैं इसको हिंदी में, हमारे लिए कहेंगे इट इज अप्रोचिंग एग्जॉल्टेशन। जो भी प्लैनेट, जैसे आपकी शादी नहीं हुई, 3 दिन बाद शादी, अब आप ज्यादा खुश हो या शादी हो चुकी है तब खुश हो, दूल्हा जिसकी शादी नहीं हुई है वो ज्यादा खुश होता है, तो ये जेमिनाई का प्लेनेट जो जुपिटर अपनी उच्च की राशि में जा रहा है ये ज्यादा अच्छा है। कोई भी प्लेनेट अपने एक्सोल्टेशन की तरफ जा रहा है वो ज्यादा खुश होता है, कोई भी प्लेनेट अपने डेबिलिटेशन, नीचता की तरफ जा रहा है वो दुखी होता है।
जैसे मून इन वर्गो ज्यादा खराब है मून इन स्कॉर्पियो से, मून इन लिब्रा सॉरी, मून इन लिब्रा ज्यादा खराब है मून इन स्कॉर्पियो से, क्योंकि लिब्रा से वो स्कॉर्पियो में अपने डेबिलिटेशन की तरफ जा रहा है। इसी तरह से कोई प्लैनेट अपने एग्जॉल्टेशन की तरफ जा रहा है तो उस राशि में अच्छा होता है, ये बता सकता है जीव के आगे उसके एग्जॉल्टेशन की राशि। यहाँ पर क्या होगा, आपके बर्थ के बाद आपके फैमिली में राइज आएगा, फैमिली में राइज आएगा, तरक्की होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी 100% ऑफ टाइम्स। अगर जुपिटर जेमिनाई में है, आपके बर्थ के बाद फैमिली में रिसोर्सेज, गाड़ी हो, बंगला हो, कैश हो, बैंक बैलेंस हो, या प्रमोशन जैसी चीजें होंगी ही होंगी फादर के साथ, मदर के साथ, तो घर में प्रॉस्पेरिटी का माहौल आएगा अगर जुपिटर जेमिनाई में, क्योंकि वो अपने एग्जॉल्टेशन की तरफ जा रहा है, उच्च अभिलाषी, इट इज अप्रोचिंग एग्जॉल्टेशन, तो वेरी गुड पोजिशन ऑफ जुपिटर टू हैव। हमने कहा एक और नियम पढ़ते हैं, डिस्पोजिटर थ्योरी। डिस्पोजिटर थ्योरी क्या कहती है, इतना डीप एनालिसिस है जुपिटर इन जेमिनाई का, 3 नंबर राशि में मैंने जुपिटर लिख दिया। अब 3 नंबर राशि का डिस्पोजिटर कौन, डिस्पोजिटर का मतलब होता है राशि लॉर्ड, 3 नंबर राशि का राशि लॉर्ड कौन है, मर्क्यूरी। हमने कहा मर्क्यूरी इसका डिस्पोजिटर है, तो मर्क्यूरी अब कुंडली में जहां पर भी बैठ जाए, मान लो मर्क्यूरी यहां आकर बैठ गया 7 नंबर राशि, नहीं चलो 8 में बिठा देते हैं, यहाँ मर्क्यूरी आके बैठ गया, ठीक है। अब ये मर्क्यूरी जहां पर भी बैठ जाएगा अपने साथ जुपिटर की एनर्जी लेकर चला गया, क्योंकि जुपिटर इसकी राशि में बैठा। ये डिस्पोजिटर थ्योरी की जो राशि लॉर्ड है, जैसे जेमिनाई में जुपिटर बैठा था, राशि लॉर्ड हुआ मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी जहां पर भी कुंडली में बैठेगा अपने साथ जुपिटर की एनर्जी लेकर चला जाएगा। तो मर्क्यूरी क्या है, मामा जी है, मर्क्यूरी आपके रिलेटिव्स हैं, फूफा, ताऊ, चाचा, मामा, मर्क्यूरी आपके नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं और दोस्त हैं, फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वहां पर जुपिटर की एनर्जी होगी, वो लोग समझदार होंगे, उनके पास विजडम होगा, हो सकता है बैंकिंग जॉब में हो, टूरिस्ट गाइड हो, कंसल्टेंट हो, एडवाइजर हो, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एडवाइस का काम करते हो, टीचर्स हो, मतलब जुपिटर से रिलेटेड उनका प्रोफेशन होगा, वो लोग समझदार होंगे, इसमें कोई शक नहीं, वेल ऑफ होंगे, उनका नाम सम्मान होगा, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं उनका नाम सम्मान, शादी करेंगे तो 70 लाख रुपए की शादी करेंगे, नाम सम्मान है, कि लोग उनको जानते हैं आसपास के, क्योंकि जुपिटर की एनर्जी मर्क्यूरी ले गया, तो मर्क्यूरी आपके रिश्तेदार हैं, पड़ोसी है, आपके फ्रेंड्स हैं, उनका एक नाम सम्मान, वो एक प्रतिष्ठित परिवार से बिलोंग करते होंगे, ऐसा होगा ही हो, इसको कहते हैं डिस्पोजिटर थ्योरी। तो जुपिटर ने जेमिनी इतनी सारी चीजों का इफेक्ट करता है, हमने बताया आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, इंटेलिजेंट होंगे, बोलने में अच्छे होंगे, दोस्त काफी सारे होंगे, अच्छी हाइट होगी, अच्छा पैसा होगा, एक कम्युनिकेशन अच्छी होगी, वो सब बातें आपके लिए। फिर हमने देखा आपके रिश्तेदारों पे क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है अगर जुपिटर जेमिनी में, आपके दोस्तों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आपके मामा जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमने कहा मामा जी बैंक में काम कर सकते, इतनी बातें एक कॉम्बिनेशन, एक प्लेसमेंट। फिर हमने कहा जुपिटर जेमिनाई में अपने एग्जॉल्टेशन की तरफ जा रहा, अपने एग्जॉल्टेशन की तरफ जा रहा है तो आपके बर्थ के बाद घर में तरक्की होगी, ऊंचाइयों पे जाएगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, पक्का ऐसा है, ठीक है। लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, इसको चैनल को प्रमोट करें फॉर दिस एजुकेशनल कंटेंट, ठीक है, शुक्रिया।